हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने वैस्कुलर कैम्बियम किस तरह सेकेंडरी ग्रोथ करता है वो पढ़ा था, कि हमने पढ़ा कि भाई जो वैस्कुलर कैम्बियम वाला रीजन है, जो अंदर कैम्बियल रिंग बन गई है, ब्लू कलर से हमें दिख रही है ना, इस कैम्बियल रिंग ने अंदर खूब सारा सेकेंडरी जाइलम बनाया है, बाहर थोड़े कम अमाउंट में सेकेंडरी फ्लोएम बनाया है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, अंदर इतना सारा जाइलम प्रोड्यूस हुआ है कि अंदर जाइलम की कई सारी रिंग्स बन गई हैं, स्पेशली अगर हम टेम्परेट रीजन्स में देखें जहाँ पर सीजनल वेरिएशंस होते हैं, तो उन रीजन्स में क्या होता है, वहाँ पर आपको एक लाइटर रिंग, एक डार्कर रिंग, एक लाइटर एक डार्कर रिंग दिखेगी अकॉर्डिंग टू द सीजन। अगर स्प्रिंग सीजन में बन रही है तो बड़ी बड़ी वेसल्स बन रही हैं, कम लिग्निन है, लाइट वुड दिखेगी। ऑटम सीजन में बन रही है, पतझड़ का सीजन जो है, जो कम ग्रोथ वाला सीजन है, तो वहाँ पर ल्यूमेन नैरो है, लिग्निन ज़्यादा है, तो क्या होगा, डार्क कलर की वुड बनेगी। तो इस तरह से हर साल प्लांट अपने लिए एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क वुड की रिंग बनाता है। वन लाइट प्लस वन डार्क को मिलाकर हम कहते हैं एनुअल रिंग, है ना। और अगर कोई बॉटनिस्ट किसी ट्री की एज पता करना चाहता है तो वैसे देखा जाए तो डिस्ट्रक्टिव मेथड है, तो जो कटे हुए ट्रीज हैं उनके स्टम्स रह गए हैं उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये कितना पुराना ट्री रहा होगा, तो उसके स्टेम में ऊपर जो आपको स्टम्प दिख रहा है उसका, उसमें रिंग्स काउंट करके आइडिया लग सकता है उसकी एज का, जिसे नाम देते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बताया था मैंने आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था वुड का, कि आप किसी भी समय अगर किसी ट्री को देख रहे हो तो जो मोस्ट पेरिफेरल लेयर है वुड की, जो फंक्शनल होगी, सैप का कंडक्शन करेगी, वो सैपवुड, और उस सैपवुड के अलावा अंदर जितना भी जाइलम है जो पूरा ब्लॉक हो चुका है, टैनिन, रेजिन, तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें डिपॉजिट हो चुके हैं, उस पूरे को हम कहेंगे हार्डवुड। ये हार्डवुड फर्नीचर बनाने के लिए मोस्ट ड्यूरेबल है, मोस्ट रेजिस्टेंट है, इस पर बैक्टीरिया वगैरह का अटैक, मतलब माइक्रोब्स का, इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हमें ये देखना है कि भाई अंदर वाले रीजन में तो प्लांट लगातार सेकेंडरी ग्रोथ किए जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस आप ध्यान करो किसी स्टेम में जो जाइलम फ्लोएम के बंडल से उसके जस्ट बाहर पेरिसाइकिल के बंडल कैप थे क्या, जो स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए थे, फिर क्या उसके बाद क्या था, मैं आपको ड्रॉ करके याद दिलाती हूँ, मुझे नहीं लगता आपको ऐसे याद आ जाएगा, कि हमने पढ़ा था कि अगर ये स्टेम है तो स्टेम में अगर ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, है ना, तो वैस्कुलर बंडल के ऊपर पेरिसाइकिल की कैप्स थी, फिर बाहर एंडोडर्मिस की लेयर थी, फिर खूब सारा कॉर्टेक्स का रीजन था, हाइपोडर्मिस की लेयर थी और एपिडर्मिस की लेयर थी, यही होता है। तो अब सोचो अगर अंदर वाले जोन में लगातार टिश्यू बढ़ रहा है तो ये बाहर वाले जोन पे प्रेशर पड़ेगा, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, कि ये जो तीन लेयर है ना, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, उसमें से एंडोडर्मिस तो आपको पता है एक ही लेयर होती है ऑलरेडी सेल्स की, थिक वॉल्ड बैरल शेप्ड सेल्स, तो वो तो कैम्बियम नहीं बनाती, लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है जिसमें कि 5-6 लेयर्स हैं लूज पैरेन्काइमा का बना हुआ है, उसमें से 2 लेयर्स मेरिस्टमैटिक हो जाती है। अंदर जब कैम्बियम बना था तो एक ही लेयर थी कैम्बियम की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, लेकिन जब बाहर कैम्बियम बनेगा कॉर्टेक्स वाले रीजन में से, तो 2 लेयर, कपल ऑफ लेयर क्या हो जाएंगी, मेरिस्टमैटिक हो जाएंगी, और उस टिश्यू को आप कहोगे कॉर्क कैम्बियम। देखें जरा लिखा है क्या एनसीईआरटी में, इस बार नीट में कॉर्क कैम्बियम पे क्वेश्चन था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था, इट इज़ अ कपल ऑफ लेयर थिक, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हम नॉर्मली। तो देखो, एज द स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर्स, बाहर वाला जो टिश्यू उस पर प्रेशर पड़ा, दे गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। हेंस सूनर और लेटर अनादर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। एंड डू रिमेंबर, इस कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं, कॉर्क को कहते हैं फेलम और कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं फेलोजन। कैसे याद रखोगे, जन यानी जेनेसिस, ऐसा टिश्यू जो जेनेसिस करेगा, यानी हम मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, तो फेलोजन का मतलब कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कहाँ बनता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कॉर्क कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम अराइज फ्रॉम, तो हमेशा याद रखना कॉर्टेक्स रीजन में बनता है, ठीक है। फेलोजन के क्या कैरेक्टर्स हैं, इट इज़ अ कपल ऑफ लेयर थिक, इट इज़ मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड, जो पैरेन्काइमा है वही, नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। जैसे नॉर्मली तो अगर हम देखें तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में लूज पैरेन्काइमा में बोलते हैं राउंड सेल्स होती है, बट उनमें से थोड़ी थोड़ी सी सेल्स ना खुद को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे रेक्टेंगुलर सी होने लगती है। हमेशा देखो तुम, कैम्बियम की जो लेयर है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो,
थोड़ी रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होगी, क्लियर। तो कपल ऑफ लेयर्स जो है कॉर्टेक्स में से वो क्या हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर हो जाएंगी। इसी को आप कहोगे कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन, ठीक है। फेलोजन बन के तैयार हो गया, पूरे में बन गई यहाँ पे रिंग, ये मान लो फेलोजन बन गया पूरा। अब इस फेलोजन को नया टिश्यू बनाना है, मेरिस्टमैटिक है तो डिवाइड करेंगी, ये भी डी डिफ्रेंसिएशन है क्या, क्योंकि परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टम बना है तो डी डिफ्रेंसिएशन है ये भी, ओके। अब क्या होगा, अब ये भी अंदर भी नई सेल्स ऐड करेगा, बाहर भी करेगा। ध्यान से देखो, ये कॉर्टेक्स के बीचों बीच बनाए लगभग, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो नई सेल्स ऐड होंगी वो नया कॉर्टेक्स ही तो है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जैसे यहाँ बोलते थे ना सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, तो वैसे ही जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या करेगा, जो कॉर्क कैम्बियम है, ये मान लो कॉर्क कैम्बियम है, ये बाहर एपिडर्मिस थी, ठीक है। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम की लेयर बनी है जो कि कपल ऑफ लेयर थिक है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ भी नई सेल्स ऐड करेगा, ये नई सेल्स बन रही हैं, और बाहर की तरफ भी नई सेल्स ऐड करेगा। जो अंदर की तरफ नई सेल्स ऐड होती हैं उसको कहते हैं बच्चों सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में नया कॉर्टेक्स बन गया तो उसको क्या कह देंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बट ऑब्वियस लिविंग ही है ये तो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो मेन चेंज हो रहा है, मेजर चेंज हो रहा है, वो अब की बार बाहर की तरफ हो रहा है। जब हम वैस्कुलर कैम्बियम पढ़ रहे थे तो मेजर चेंज अंदर हो रहा था जाइलम में, अब की बार जो मेजर चेंज है वो बाहर होगा। बाहर क्या होगा कि ये जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कह रहे हैं, जिसका कि दूसरा नाम हम क्या कह रहे हैं, फेलोजन, फेलम को बनाने वाला फेलोजन, ठीक है। इसने अंदर तो क्या बनाया, अंदर तो बनाया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर की तरफ ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, बाहर की तरफ इससे जो सेल्स ऐड होंगी ना, ये सेल्स जब बनी तब तो बट ऑब्वियस लिविंग थी, तो इसके बाहर हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस है क्या, तो हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस की सेल्स मोस्टली रप्चर हो गई ना अंदर के प्रेशर की वजह से, तो हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस की सेल्स को रिप्लेस कर देंगी ये नई सेल्स, और ये जो नई सेल्स बनेंगी ये लिविंग नहीं रहेंगी, ये नई सेल्स हो जाएंगी सुबैरिनाइज्ड। कैसी हो जाएंगी, सुबैरिनाइज्ड। पढ़ा था क्या हमने कहीं सुबैरिन, याद आ रहा है किसी को, रूट में हमने पढ़ा था एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबैरिन वैक्सी मटेरियल है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो नेचर ने ऐसा क्यों किया भाई, अच्छे खासे लिविंग टिश्यू को डेड क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रैक पड़ चुके हैं बच्चों। अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ हुई ना, तो बाहर जो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस है अब वो इंटैक्ट लेयर नहीं रही है, अब वो ऐसे रप्चर हो गई है, ठीक है। और अगर वो ऐसे रप्चर्ड फॉर्म में रह छोड़ दी नेचर ने, तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ब्रीच हो गया भाई, अंदर वायरस बैक्टीरिया सब आके अटैक कर देंगे प्लांट पे। तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि बाहर की तरफ जो सेल्स बनाई वो कैसी बनाई, जब बनी तब तो लिविंग थी, बट उन सेल्स ने खूब सारा सुबैरिन बनाना शुरू कर दिया, और सुबैरिनाइज्ड होने की वजह से खूब सारी लेयर्स बनेंगी, ऐसे नहीं एक लेयर, सुबैरिनाइज्ड होने की वजह से ये हो गया पूरा डेड टिश्यू। लिग्निफाइड चीज़ें भी डेड होती है, हमेशा ध्यान रखना, और सुबैरिनाइज्ड चीज़ें भी, सुबैरिनाइज्ड भी, क्योंकि चारों तरफ सब तरफ सुबैरिन बन गया। वहाँ एंडोडर्मिस में तो हमने पढ़ा था ना, चार रेडियल ट्रांसवर्स वॉल और रेडियल वॉल पे बन रहा, इधर उधर नहीं बन रहा, तो वहाँ सेल्स डेड नहीं हुई थी, बट यहाँ पूरा सब तरफ सुबैरिन ही सुबैरिन है, वाटर अंदर ही नहीं जा रहा, सेल्स को पानी नहीं मिलेगा, सेल्स मर जाएंगी, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगी। इसलिए ये जो डेड टिश्यू प्रोड्यूस हुआ इसको कहते हैं कॉर्क, या इसको कहते हैं फेलम। तो समझे आप कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। अभी तक एक प्राइमरी प्लांट में बाहर की लेयर लिविंग सेल्स की बनी होती थी एपिडर्मिस, उसके नीचे होती थी हाइपोडर्मिस, अब एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस जैसा कुछ नहीं रहा, अब कॉर्क कैम्बियम के बाहर कुछ लेयर्स बन गई हैं सुबैरिनाइज्ड सेल्स की, जिनको आप क्या कहेंगे, इस लेयर को आप क्या कहेंगे, कॉर्क। लिग्निफाइड नहीं है ये, सुबैरिनाइज्ड है, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कॉर्क या फेलम, तो फेलम को बनाने वाला फेलोजन, ठीक है। इसका नाम भी पी से फेलम है, इसका नाम भी पी से फेलोजन है, तो बॉटनिस्ट ने कसर नहीं छोड़ी भाई, इसको भी एक नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दे दिया फेलोडर्म। सबके नाम में फेलो फेलो आ रहा है क्या, ठीक है, फेलो फेलो डर्टी फेलो पोएम पढ़ते थे पहले तुम, तो फेलम फेलोजन और फेलोडर्म, कंफ्यूज नहीं होना, देखो जो सबसे छोटा नाम है कॉर्क तो सबसे छोटा फेलम, फेलोजन में जन आ रहा है जेनेसिस, तो जो बचा फेलोडर्म वो किसका है,
सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, ठीक है। और जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ लगातार करता जा रहा है तो इसका मतलब अब बाहर वाले रीजन में मेनली ये तीन लेयर ही रह गई ना। देखो सोचो अंदर क्या था, याद करो, अंदर अगर मैं इसको कैम्बियल रिंग कह रही हूँ तो कैम्बियल रिंग के बाहर तो फ्लोएम है, ये क्या है, दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम, या आप कह सकते हो लिविंग फ्लोएम जो बचा है, ठीक है। और ये किसकी रिंग बनाई है मैंने, दिस इज वैस्क्यूलर कैम्बियम, दिस इज वैस्क्यूलर कैम्बियम, और वैस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर जो बना है पूरा का पूरा वो क्या है, ये पूरा, ये पूरी वुड है, अलग अलग तरह की वुड है ये। तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ सालों बाद अगर हम प्लांट को देखेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बदल चुका है अंदर का। जब हम स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं प्राइमरी ग्रोथ के वक्त, तब तो अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, सेंटर में दिख रहा है वुड, उसको बनाने वाला वैस्क्यूलर कैम्बियम, उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर मेनली ये वाले टिश्यूज रह गए हैं, कौन कौन से, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो एंडोडर्मिस पेरिसाइकल वगैरह थे ना वो इतने पतले और इतने नाके बराबर रह गए हैं कि वो निग्लिजिबल हैं, तो उनको काउंट ही नहीं करते जनरली, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना है कि किस तरह टिश्यूज अरेंज्ड है, ठीक है ना। तीन टिश्यूज अंदर वाले रीजन में याद रखने और तीन टिश्यूज बाहर वाले रीजन में याद रखने। जो बाहर वाले रीजन के तीनों टिश्यूज हैं इनको कहते हैं बच्चों पेरीडर्म। देखो कितने उलझे हुए वर्ड्स हैं, अभी कहा था फेलोडर्म, अब कह रहे हैं पेरीडर्म, तो मिलते जुलते वर्ड हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। फेलो तो फेलो के रेफरेंस में है और पेरी सबको मिलाकर कहेंगे, ठीक है। देखें क्या लिखा है, लो भाई पढ़ लेते हैं। नाउ यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि भाई फेलोजन कैसे बना, कॉर्क कैम्बियम कैसे बना। नाउ व्हाट दिस फेलोजन डू, फेलोजन स्टार्ट टू कट ऑफ न्यू सेल्स ऑन बोथ साइड, जो बाहर की तरफ बनेंगी, द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, कॉर्क और फेलम, व्हाइल द इनर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसका दूसरा नाम है फेलोडर्म, ठीक है। द कॉर्क, अब कॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि भाई कॉर्क क्या है, तो हाईलाइट ही कर लेते हैं इसको हम। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर, क्यों, ड्यू टू सुबैरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल, दस, जबकि अगर हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, ये लिविंग सेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि नेचर ने पूरे स्टेम को डेड बना दिया, अंदर मैक्सिमम डेड है, बाहर भी लगभग डेड सेल्स है, पर ये वाली सेल्स जो हैं ये सब लिविंग सेल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए नेचर को एक इंतजाम और करना है, तुम सोचो अगर कंटिन्यूस डेड लेयर आ जाती सेल्स की चारों तरफ बिल्कुल, तो फिर ऑक्सीजन कैसे आती इन सेल्स तक, प्लांट को भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इन सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती, तो नेचर ने एक इंतजाम और किया है, क्या, यहीं पर बता देती हूँ कि जब ये सेल्स सुबैरिनाइज्ड हो रही हैं तो कुछ सेल्स सुबैरिनाइज नहीं हुई, कुछ लिविंग सेल्स है, इसको मैं किसी और कलर से बना देती हूँ, ये नॉन सुबैरिनाइज सेल्स है, बीच बीच में लूजली पैक्ड नॉन सुबैरिनाइज सेल्स, ठीक है। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो किसी को कॉम्प्लीमेंट करे, किसी को हेल्प करे, तो ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो है ना लूजली पैक्ड है। तो यहाँ पर समझना ध्यान से कि यहाँ पर तो सब जगह कॉर्क की लेयर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं वहाँ वहाँ कुछ ओपनिंग्स हैं, क्या हैं, स्टेम में इमेजिन करो, आपने देखा है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो वुडी स्टेम होता है उस पर आपको ऐसे, आपकी बुक में डायग्राम भी दिया है, देखो इस तरह के, ऐसे नहीं लगता जैसे कुछ चीज़ें टूट टूट कर गिर रही हैं, स्लफ ऑफ हो रही हैं और बीच बीच में क्रैक्स पड़ गए हैं, तो ये जो टूट टूट के गिर रहा है वो तो कॉर्क है। कॉर्क क्यों टूट टूट के गिरता है, क्योंकि नया कॉर्क बनता जा रहा है, तो पुराना कॉर्क जो थोड़ा पुराना होता जा रहा है ना वो स्लफ ऑफ होता रहता है, और जो बीच बीच में जगह दिख रही है खाली, वो एरिया है जहाँ पर लिविंग सेल्स हैं और उनके ऊपर कुछ रप्चर्ड ओपनिंग्स बनी हुई हैं। ये ओपनिंग इसलिए है जिससे यहाँ से O2 CO2 गैसियस एक्सचेंज हो सके। अंदर तो बैठी है ना लिविंग सेल्स, ये रही ये वाली लिविंग सेल्स, इनको तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए गैसेस, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए ओपनिंग्स छोड़ी गई हैं। इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, लेंटिकल्स, दे आर कॉल्ड लेंटिकल्स। बहुत क्वेश्चन आता है नीट में लेंटिकल्स पे, तो ठीक है। तो जब तक स्टेम ग्रीन था तब तक तो वो स्टोमेटा से रेस्पिरेशन कर रहा था, बट अब जब स्टेम
वुडी हो गया है, तब भी नेचर ने उसको जिंदा रखने के लिए इंतजाम किए हैं, क्या किया है, कॉर्क की लेयर में बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स छोड़ दी हैं, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं उनके ऊपर ओपनिंग्स भी छोड़ दी हैं, कुछ क्रैक्स छोड़ दिए हैं, लेंस शेप ओपनिंग, जहाँ से क्या होगा, एयर अंदर बाहर आ जा सकती है और अंदर जो लिविंग टिश्यू है एटलीस्ट ये वाला, उसको ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो देखो क्या लिखा है, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं कि द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, यानी लिविंग सेल्स हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट करना जरा, इन तीनों लेयर्स को मिलाकर कहते हैं पेरिडर्म, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्डअप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फैलोजन, फैलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम के पेरिफेरल जो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस वगैरह है ना, उन पे प्रेशर पड़ा एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लफ ऑफ। ठीक है, डाई एंड स्लफ ऑफ, और ना सिर्फ एक बार स्लफ ऑफ हुई है बल्कि टाइम टू टाइम ये स्लफ ऑफ होती रहती है, तो कॉर्क जो है वो टूट टूट कर गिरता रहता है। क्लियर, एंड नाउ ये तो हुई बात कॉर्क तक की, अब यहाँ पर क्या किया है, अगेन नीट 2023 में इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, बार्क से रिलेटेड 5 स्टेटमेंट थे आई थिंक, उनमें से आपको बताना था सही कौन से हैं गलत कौन से हैं। तो बार्क क्या होता है अब ये समझना तुम, बार्क जो है ना वैसे तो कॉर्क के सिनोनिम में ही यूज हो जाता है, कॉर्क एंड बार्क को सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं, बट थोड़ा सा फर्क है, मतलब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बार्क एक अलग टर्म है, बार्क के लिए लिखा है इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। सोचो नीट में ऑप्शंस में एक स्टेटमेंट ये भी था, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म या बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, तो बार्क को नॉन टेक्निकल टर्म मानते हैं। नॉन टेक्निकल वर्ड क्यों यूज किया समझना, क्योंकि इन तीनों में एक कोरिलेशन है आपस में, इसी से बनी है ये, इन तीनों में भी कोरिलेशन है, ये दोनों इससे बने हैं, लेकिन व्हाट इज बार्क, बार्क में आता है कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और लिविंग फ्लोएम, यानी ये जो चार लेयर्स हैं वैस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर बाहर वाला जितना भी टिश्यू है उसको साइंटिस्ट बार्क बोलते हैं। अब इसका कोई टेक्निकल वो नहीं है ना, मतलब कि भाई आपने किस बेसिस पर इनको एक साथ ले लिया, बस ऐसे ले लिया कि भाई वैस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर बाहर जो टिश्यू है वो उसको आप क्या कह दोगे, बार्क, और ये अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे बार्क से है ना कुछ कमर्शियल बार्क्स होती है उनमें चीज़ें स्टोर रहती हैं तो उनसे कई तरह की अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, पर बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म जिसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, हैव टू रिमेंबर, इसमें पूरा पेरिडर्म आ जाता है और इसमें आ जाता है सेकेंडरी फ्लोएम, इसको कहते हैं बार्क। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्क्यूलर कैम्बियम, वैस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर क्या क्या है बताओ, और लिखा है इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। देखा जाए तो सेकेंडरी फ्लोएम का इससे क्या रिलेशन, वो तो अंदर बना है, उसका कोई बाहर वाले टिश्यू से रिलेशन ही नहीं है, बट उसको भी इसमें यूज कर लिया। ठीक है, इसीलिए नॉन टेक्निकल। सो बार्क रेफर टू नंबर ऑफ टिश्यूज लाइक, क्या क्या आ गया इसमें, इसमें पेरिडर्म आ गया और इसमें सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। पेरिडर्म का मतलब तीनों आ गए इसमें, देखो फेलम प्लस फेलोजन प्लस फेलोडर्म, तो बेसिकली चार लेयर्स आ गई बार्क में, ठीक है ना, और सेकेंडरी फ्लोएम। इस बार्क में भी सेम वही कर दिया इन्होंने जैसे वुड में किया था ना, अर्ली वुड और लेट वुड, वैसे ही जो बार्क शुरू में बनती है अर्ली इन द सीजन उसको कहते हैं अर्ली बार्क, थोड़ी सॉफ्ट होती है, और जो बार्क एंड ऑफ द सीजन पे बनती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड होती है, तो उसको कहते हैं लेट और हार्ड बार्क। ठीक है, नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल लेयर विच कॉन्स्टिट्यूट द बार्क, तो ये रही हमने लिखी थी बार्क की लेयर्स का नाम, 1, 2, 3 and 4। डन, समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, एट सर्टेन रीजन्स, अब उसकी बात हो रही है लेंटिकल्स की, लेंटिकल्स कैसे बने, एट सर्टेन रीजन्स द फैलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, वैसे तो ये सुबैरिनाइज सेल्स बना रहा है बट कहीं पर ये पैरेन्काइमेटस सेल्स भी बना रहा है। देखो इस डायग्राम में कितना अच्छा डायग्राम है एनसीईआरटी में, मान लो ये वाला पार्ट इन्होंने कॉर्क कैम्बियम का बनाया है, ये कॉर्क कैम्बियम है मान लो, ठीक है, तो इस कॉर्क कैम्बियम से वैसे तो बाहर की तरफ क्या बन रहा है, कॉर्क बन रहा है, ये सब कॉर्क दिखाया आपको, ठीक है, ये सब इन्होंने एपिडर्मिस लिख दिया बट इट इज एक्चुअली द कॉर्क, ये सब कॉर्क दिखाया है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने खाली जगह छोड़ दी है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, लेंटिकल, इस खाली जगह को क्या कहते हैं बच्चों, ओपनिंग छोड़ दी है, दीज आर लेंटिकल्स, और लेंटिकल्स के जस्ट नीचे वाली जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस लूजली अरेंज्ड सेल्स हैं, मतलब ठीक है पास पास है बट पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं,
इन्हीं सेल्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। और यही वो रास्ता है जहां से अंदर बाहर गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, कॉर्कैम्बियम के नीचे क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिलेगा क्या? कॉर्कैम्बियम के नीचे क्या है ये सब? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहाँ क्या लिखा है कि द फैलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स की जगह बाहर की तरफ बनी है कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स। दीज सेल्स सून रप्चर द एपिडर्मिस। ठीक है, इतनी सारी सेल्स बन रही हैं इस जगह पर कि वहाँ पर ऊपर रप्चर हो गई एपिडर्मिस और उसने एक ओपनिंग बना दी। कौन से शेप की ओपनिंग? हाईलाइट कर देना इसको, लेंस शेप्ड ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिकल्स। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लेंटिकल? जो स्टोमेटा के फंक्शन है वही लेंटिकल्स के फंक्शन है। एक तो गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल, ट्रांसपिरेशन भी होगा, जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है लेंटिकल से भी तो होगा वो। यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, नीचे वाली सेल से पानी का लॉस होगा। क्लियर? एंड द इंटरनल, किसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज? एटमोसफियर एंड इंटरनल टिश्यू, जो अंदर इंटरनल लिविंग टिश्यू है ना उसके बीच में। ठीक है, एंड इसका एक और फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। लेंटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, दो फंक्शंस हो गए इसके। एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना, लेंटिकल्स डू नॉट हैव गार्ड सेल्स। स्टोमेटा में तो गार्ड सेल्स होते हैं ना, तो स्टोमेटा तो खुलते बंद होते रहते हैं, बट लेंटिकल्स में गार्ड सेल्स तो है नहीं। सो लेंटिकल्स हमेशा ओपन ही रहते हैं, इनको कोई खोलने बंद करने का मैकेनिज्म नहीं है। देखो आप, ठीक है ना, लेंटिकल्स रिमेन ऑलवेज ओपन। क्लियर? ये आपको दिखाया बार्क कैसी दिखती है बाहर से, और यहाँ पर आपको लेंटिकल्स दिखा दिए। ठीक है, बार्क या कॉर्क दोनों का ही नेचर है, इट्स स्लफ ऑफ टाइम टू टाइम। यहाँ पे देखा था ना हमने, पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। डन, तो ये हुआ आपका स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर हम स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ को देखें तो अल्टीमेटली हमको क्या क्या मिलेगा, देखो एक बार रिवाइज कर लेंगे इस डायग्राम से। सबसे सेंटर में मिलेगी हार्टवुड, जिसमें की है नॉन फंक्शनल जाइलम, है ना। इसी हार्टवुड में स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड की खूब सारी लेयर्स होंगी अगर ये टेम्परेट कंट्री का ट्री है तो। पेरीफेरल जो फंक्शनल लेयर है, फंक्शनल जाइलम जो है वो होगा सैपवुड। सैपवुड के जस्ट बाहर होगी वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग। वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर क्या होगा? फ्लोएम, लिविंग फ्लोएम कह दो, सेकेंडरी फ्लोएम कह दो। और लिविंग फ्लोएम के बाहर होगी पेरीडर्म। पेरीडर्म में इन्होंने कॉर्क लिखा है, कॉर्क कैम्बियम लिखा है, आई थिंक इनको सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी लिखना चाहिए था, हो सकता है वो भी कम बचता हो इसलिए, क्योंकि वही ना लिविंग सेल्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाती। बट हम तो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीनों को लिख कर चलेंगे। ठीक है, और पेरीडर्म और लिविंग फ्लोएम को मिलाकर कहते हैं बार्क, विच इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको स्टेम का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। अब अगर हम छोटा सा टॉपिक दे रखा है एक लास्ट में कि रूट कैसे सेकेंडरी ग्रोथ करती है, इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाना हमको, बिल्कुल स्टेम की तरह ही करती है, वही वैस्कुलर कैम्बियम, वही कॉर कैम्बियम, सारे इवेंट सेम होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, इन द डायकॉट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। जो फर्क है वो क्या है कि आपको ध्यान है रूट में वैस्कुलर बंडल्स कौन से थे, ध्यान है क्या? एक्सार्क जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर एक्सार्क जाइलम, फिर फ्लोएम, है ना, इस तरह के बंडल्स थे क्या जाइलम फ्लोएम के? तो पहले से कैम्बियम तो था नहीं रूट के पास, तो रूट कैसे करेगी सेकेंडरी ग्रोथ? तो रूट पूरा का पूरा कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त बनाती है, तो रूट का पूरा कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी है। स्टेम में मैंने तुमको कहा था कि जो इंट्रा फेसिकुलर है वो प्राइमरी है और जो इंटर फेसिकुलर है वो सेकेंडरी है, बट यहाँ पर ध्यान रखना कंप्लीट कैम्बियम इज सेकेंडरी। कैसे बना वो, उसका बनने का तरीका भी बड़ा स्पेशल है। देखो, जब इसमें रूट में कैम्बियम बनता है ना, तो रूट को क्या करना है, कैम्बियम बनाने के बाद जाइलम को अंदर ले लेना है और फ्लोएम को बाहर कर देना है। तो क्या होगा, जाइलम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, फ्लोएम के नीचे वाला पार्ट मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, फिर ऐसे, तो कुछ कुछ पार्ट मेरिस्टेमेटिक होता जाएगा ऐसे पैचेज में, पूरा एकदम सरिंग नहीं बनेगी। पैचेज में सेल्स क्या होती जाएंगी, डी डिफ्रेंशिएट होती जाएंगी। यहाँ पर क्या है, पिथ है, यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर पेरीसाइकल है, तो ये सारे टिश्यूज मिलकर क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, जाइलम के बाहर पैच बनेगा, फ्लोएम के अंदर पैच बनेगा, तभी तो ऐसा होगा ना कि जो फ्लोएम है वो बाहर चला जाए और जाइलम सारा अंदर आ जाए। ठीक है, धीरे धीरे ये वाला पार्ट भी मेरिस्टेमेटिक होता जाएगा,
तो कुछ समय बाद हमको स्टेम में सॉरी रूट में क्या दिखेगी, एक वेवी रिंग दिखेगी। दिख रही है क्या आपको ये वेवी रिंग? एकदम कंटिन्यूस रिंग नहीं दिख रही है, वेवी रिंग दिख रही है। तो रूट्स में जब ये बनता है तो किस फॉर्म में बनता है, देखो क्या लिखा है, मतलब कहने का मतलब है कंप्लीट तो है लेकिन एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि कैसी रिंग है, वेवी। यहाँ पर लिखा है कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग, ठीक है। लेकिन ये हमेशा वेवी नहीं रहेगी, कुछ समय बाद ये जो वेवी रिंग है ये अंदर खूब सारा जाइलम बनाएगी, बाहर थोड़ा थोड़ा फ्लोएम बनाएगी। तो सोचो अगर अंदर खूब सारा जाइलम बनेगा तो इस रिंग पे भी प्रेशर आएगा क्या, रिंग की सेल्स भी, रिंग भी थोड़ा शिफ्ट होती जाएगी क्या? तो लेटर ऑन दिस रिंग बिकम सर्क्यूलर। ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है कि शुरू में तो यहाँ पर पैचेस बनेंगे बट लेटर ऑन एक सर्क्यूलर रिंग बन जाएगी, दैट इज कैम्बियल रिंग। इतना अच्छा नहीं है डायग्राम, इसलिए आप ना इसको दोबारा से इस तरह से बना लेना, फर्स्ट वाले डायग्राम में ये वाला पार्ट बना देना, बाद में फिर वो सेम स्टेम जैसी हो जाएगी। बाद में कैसी हो जाएगी देखो, बाद में ये जो डायग्राम है कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का कि ये जो रिंग है वो पूरी कंटिन्यूस रिंग हो जाएगी, अंदर आ जाएंगे सारे जाइलम, अंदर सारे जाइलम आ जाएंगे और बाहर चले जाएंगे सारे फ्लोएम, फिर उसमें सेम चेंजेस, सेम चेंजेस, क्या सेम चेंजेस बताओ, अंदर वुड बनती जाएगी बट यहाँ पर स्टेम जैसी वुड तो बनती नहीं। कभी सुना है रूट से वुड निकाल के फर्नीचर बनाते हो, थोड़ा थोड़ा बनेगा यहाँ पर सब कुछ क्योंकि रूट को स्टेम जितनी विड्थ नहीं बढ़ानी, ठीक है। और बाहर की तरफ वही नया सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम सेंटर में आएगा, बाहर नया सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश होता जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ जैसा स्टेम में हो रहा है। बस आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर वो क्या कि पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन नीट में कई बार आया है कि रूट में कैम्बियम का ओरिजिन किससे होता है, तो रूट में वैस्क्यूलर कैम्बियम का ओरिजिन होता है देखना किससे, इट ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम, ठीक है, अ पोर्शन ऑफ द पेरिसाइकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अबव द प्रोटोजाइलम। इन तीन चीजों से मिलकर वैस्क्यूलर कैम्बियम बनता है, समझ गए ना। वैस्क्यूलर कैम्बियम का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है, द टिश्यू विच इज सिचुएटेड बिलो द फ्लोएम, अबव द प्रोटोजाइलम एंड सम पार्ट ऑफ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल यहीं पर तो था तो सम पार्ट ऑफ पेरिसाइकल, ठीक है, क्लियर। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब फॉर अ स्टेम। फिर जब अंदर प्रेशर पड़ता है तो बाहर वही सेम, बाहर वाले रीजन में कॉर्क कैम्बियम बनेगा। अच्छा एक बात और लिख देना यहाँ पे बच्चों कि रूट में जो लेटर कॉर्क कैम्बियम बनता है ना, कॉर्क कैम्बियम बनता है वो भी इतना बाहर जाके कॉर्टेक्स से नहीं बनता, यहीं पर पेरिसाइकल से ही कॉर्क कैम्बियम बन जाता है। तो कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल, तो यानी रूट में जितना भी कैम्बियम बन रहा है वो मेजर किससे बन रहा है, पेरिसाइकल से। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो जब हम रूट की पेरिसाइकल पढ़ रहे थे तो वहां पर आया भी था, पेरिसाइकल के दो फंक्शन पढ़े थे हमने, पेरिसाइकल गिव राइज टू कैम्बियम एंड पेरिसाइकल गिव राइज टू लैटरल रूट, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स इसी से बनती है, ठीक है, क्लियर है क्या, अच्छे से समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर डायग्राम दिखाया है तुम लोगों को, ओके देन, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है। हमने सेकेंडरी ग्रोथ को वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको अलग से पढ़नी हो, जो हमने वहाँ पे सीखी ना स्टेम में वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। देखो एनुअल रिंग भी दिखाई है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की तरफ वही पेरिडर्म दिखा दिया है ना, सब कुछ इसमें सेम है। तो अब आ जाते हैं हम लास्ट में इस चैप्टर की समरी पर, ओके। सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को, है ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल टॉपिक कि किस तरह से वैस्कुलर कैम्बियम ने नया टिश्यू बनाया और बाहर की तरफ किस तरह से कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन ने नया टिश्यू बनाया जिसमें मेजरली बनता है बाहर की तरफ सुबेरिनाइज टिश्यू जिसको आप कहते हैं कॉर्क, ठीक है। समरी में वैसे कुछ नया नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी, एक बार देख लेते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं प्लांट में, वी नो, या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है या परमानेंट टिश्यू होता है। फूड बनाना, उसका स्टोरेज करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सब जो फंक्शंस हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, ये सब अलग अलग टिश्यूज करते हैं, वी स्टडीड दैट। तीन तरह के टिश्यू सिस्टम्स हमने पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एंड ओल्ड दोनों एनसीईआरटी में है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू बना है एपिडर्मल सेल्स का, स्टोमेटा का और अपेंडेजेस का, मतलब है रूट, हेयर एंड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स यानी हेयरी स्ट्रक्चर ऑन स्टेम, लीफ पे भी हो सकते हैं,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेन बल्क बनाता है किसी भी ऑर्गन का, ठीक है, जिसमें कि कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकल होता है, सेंटर में पिथ होता है, हमने चार्ट बनाया था बड़ा अच्छे से। द वैस्क्यूलर टिश्यू बना होता है जाइलम एंड फ्लोएम का, जिनका काम है ट्रांसपोर्ट करना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड द वैस्क्यूलर ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम एंड लोकेशन ऑफ जाइलम फ्लोएम, वैस्क्यूलर बंडल हमने पढ़े कितने तरह के, मेनली दो तरह के, एक रेडियल और एक कॉन्जॉइंट, नाम नहीं दिया इन्होंने यहाँ पर। अल्टीमेटली वैस्क्यूलर बंडल्स का फंक्शन सेम ही रहता है। मोनोकॉट एंड डायकॉट प्लांट्स की एनाटमी जब हमने पढ़ी तो वहाँ पे हमने कई सारे वेरिएशंस देखे दोनों में डिफरेंस के, ठीक है, दे डिफर इन टाइप, नंबर, लोकेशन ऑफ वैस्क्यूलर बंडल। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा इट अकर डायकॉट रूट एंड डायकॉट स्टेम एंड इट इंक्रीज द गर्थ और द डायमीटर, ठीक है, बाय एक्टिविटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ कैम्बियम, वैस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। द वुड, देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है, द वुड इज एक्चुअली अ सेकेंडरी जाइलम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि हमने पढ़ा हार्टवुड, सैपवुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आया मजा पढ़ने में, जानने में? भाई देखो, अगर अच्छा सा मेंटल मेकअप बना के पढ़ोगे कि यार हाँ हमें चीज़ों को समझना है, आज कुछ नया सीखना है, नया पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो हमेशा कोई भी चैप्टर हो, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, समझने वाला चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर, आपको मजा आएगा पढ़ने में। बट अगर आप ऐसे एटीट्यूड से पढ़ोगे कि यार फिर अब ये पढ़ना है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो जो चीज़ें आने वाली हैं वो भी नहीं आएंगी। तो इसलिए हमेशा अगर डिसाइड कर ही लिया है कि भाई हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अच्छे से मन बना के डेली ये सोच के पढ़ा करो कि आज कुछ नया सीखना है हमको, ठीक है, तो आपको हमेशा चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये भी अपना टारगेट रखा करो कि जो सीखा है वो एटलीस्ट नीट के एग्ज़ाम तक तो नहीं भूलना है। और वो कब पॉसिबल है? जब आप रिविज़न करते रहोगे। अब हो सकता है हमने एनाटमी पढ़ी तो आप मॉर्फो भूल गए हो, प्लांट किंगडम भूल गए हो, फंजाई किंगडम भूल गए हो, लग रहा है थोड़ा थोड़ा नए नए वर्ड्स लग रहे होंगे, मैम अच्छा ये सब भी हमने कब पढ़ लिया। तो हम ये सारी चीज़ें जो पढ़ चुके हैं उनको मैं आपको हमेशा तरीका बताती हूँ कि जो भूलने वाली चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है, मॉर्फो है, उनके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपकी कॉपी में, कुछ बॉक्सेस होने चाहिए, स्पेशल टाइप के चार्ट्स, टेबल्स होनी चाहिए, और उनको टाइमली रिवाइज करना ज़रूरी है। जो बच्चे सिर्फ घर से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह इतने ज़्यादा नहीं देते हैं ना, क्योंकि कोचिंग में तो क्या होता है, बार बार हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ पे बच्चों का रिवीजन हो जाता है पुराने चैप्टर्स का। तो वो बच्चे स्पेशली या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखो, नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपना एक फिक्स टारगेट रखो कि हमको क्या करना है, चीज़ें रिवाइज ज़रूर से करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टेस्ट बिल्कुल मत देना, टेस्ट तो देना ही देना है बच्चों, अगर आपने नहीं भी ज्वाइन कर रखा ना कुछ भी, तो कैसे भी कहीं से भी टेस्ट पेपर्स अरेंज करो और आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करो। मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, हालांकि वो फुल कोर्स वाले होते हैं, तो अभी आप एकदम से फुल कोर्स टेस्ट तो दे नहीं सकते, तो चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, जो बच्चे खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हर 15 दिन या एटलीस्ट 21 दिन में एक टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। तब आपको अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखें, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मुझसे पूछें, आई विल रिप्लाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये और बता देती हूँ। एनाटॉमी के बाद वैसे तो एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू चैप्टर है, बट एनिमल टिश्यू चैप्टर ना मैं आपको ह्यूमन फिजियो के साथ पढ़ाऊंगी। ह्यूमन फिजियो से जस्ट पहले हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, अभी हम पहले प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में भी प्लांट्स अच्छे से घुसे हुए हैं कि भाई जाइलम, फ्लोएम या जो भी टिश्यूज है, मॉर्फो है, ये सब क्या है, तो आपको प्लांट फिजियो इजीली समझ में आ जाएगी। और प्लांट फिजियो में आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से नई एनसीईआरटी में शुरू के 2 चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये दोनों चैप्टर्स मैंने रख दिए हैं अभी होल्ड पर, जैसे ही एनटी का क्लैरिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी के 3 चैप्टर समझने में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जो भी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें वो मैंने आपको मॉर्फो एनाटॉमी में ही कवर कर दी है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तो उस सेशन को बिल्कुल मिस ना करें। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे फोटोसिंथेसिस के साथ, ओके, गुड बाय।